इतने सारे पैसे हैं भी एकदम असली नोट। हाँ भाई सामान हट गया सारा? जी जी भाई, बस थोड़ा सा सामान रह गया, इसको हटा के अभी आ रहा हूँ। अच्छा वो तो ठीक है, मगर तुम्हारे ये हाथ में क्या है? ये कुछ नहीं भाई, पैसे हैं, अम्मी ने दिए थे राशन लेने के लिए। अच्छा ठीक है, जल्दी से सामान रखो, बाहर देखो इतनी रात हो गई, घर नहीं जाना। बस थोड़ा सा काम है, मैं करके आ रहा हूँ। ये लो, कल सुबह को टाइम पे आ जाना, नई शीटों की अलमारियां बनानी है। ये लो यार, वो सलामो नहीं आया अपनी झाड़ लेने? वो बाहर गिराज में अभी तक सफाई कर रहा है। यार ये लड़का भी ना बहुत ही मेहनती है, सारा दिन काम पे लगा रहता है, काम करते करते शाम हो जाती है, मुझे खुद को बुलाना पड़ेगा, तुम यहीं रुको। सलामो बस छुट्टी करो, बहुत हो गया काम। ये लो तुम्हारी दिहाड़, यार बहुत काम करते हो और मेहनत से करते हो, ये तुम्हारी दिहाड़ एक्स्ट्रा होगी। अब तुम छुट्टी करो, घर जाओ, बाकी का काम सुबह कर लेना। ठीक है। ठीक है मालिक, हम जा रहे हैं। ठीक है भाई, वो सुबह पानी में पैसे गिर के मुझसे गीले हो गए थे, वो मैंने शीट पे सूखने के लिए लगा दिए, वो किसी से तुड़वा लेना। ठीक है, मजदूर तो चलेंगे, मैं खुद उतार लेता हूँ। चलें ठीक है। चल सलामू, काम बंद कर, अब घर चलें। यार भाई, आज नायक ने मुझे डबल दिहाड़ी दी है, मेरा थोड़ा सा काम रहता है, मैं ये करके आ रहा हूँ, तुम लोग चलो। यार हमेशा तो इकट्ठे जाते हैं, आज तो अकेला कैसे जाएगा? मैं आ जाऊंगा भाई, कोई मसला नहीं है, डबल दिहाड़ी लिए ना मेरा जमीर नहीं गवारा कर रहा कि मैं इस तरह अपना काम छोड़ के जाऊँ। बस ये दो चार सीटें रखनी है, तुम जाओ मैं आ रहा हूँ पीछे। मगर तेरे पास तो बाइक ही नहीं है। रिक्शे पे आ जाऊंगा। रश का इस टाइम कहाँ से मिलेगा? यार आ जाऊंगा यार, पैदल आ जाऊंगा, मसला नहीं है, थोड़ा सा काम रहता है, मैं करके आऊंगा, डबल दिहाड़ी मिली है मुझे। ये क्या है, इतने सारे पैसे? अरे हाथ ना लगा इन पैसों को, ये मेरे पैसे हैं। तुम्हारे पास कहाँ से आए इतने पैसे? देख भाई, जब अल्लाह मेहरबान होता है ना तो फिर पैसों की बारिश होती है बारिश। ये जो सुबह शीटें आई है ना, इनके ऊपर लग के आए हैं ये पैसे, शायद कंपनी ने मेरे जैसे अच्छे कारीगर के लिए इनाम भेजा है। अच्छा तो इसलिए तुम्हारे साथ नहीं आना चाहता था। देख भाई, कल को मैंने इन पैसों से लेनी है गाड़ी, आज मैं तुम्हारे साथ बाइक पे बैठ के जाऊंगा, कल तुम लोग मुझे कहोगे हमें भी अपनी गाड़ी में बिठा, तो मैं ये फालतू का झंझट नहीं चाहता। मेरे पास तो अब पैसा आ गया है ना, तुम लोग जाओ, मैं अपनी गाड़ी पे आऊंगा। सलामू, छोटे भाई के पैसे के लिए हो गए थे, यहाँ सूखने के लिए लगाए थे, तूने उतार लिए हैं, शाबाश। अब ये रिक्शे पे आएगा, इस वक्त रिक्शा भी नहीं मिलने वाला, अब ये पैदल आएगा।